अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 48वां प्रदेश स्तरीय स्थापना दिवस वीरवार को ऊना में मनाया गया। समारोह में हरोली भाजपा नेता राम कुमार एवं प्रदेश सरकार के HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि गगरेट हलके के विधायक राजेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता NGUJU के राज्य अध्यक्ष रणेश राणा ने की। पर उसमें कुछ कईयों का राशन कार्ड नहीं है, कुछ हमारे प्रेस तंबू जो बाहर से भी होते हैं, तो तेलंगाना सरकार ने करा हुआ है कि जितने पैसे हम देंगे उतने पैसे उस पत्रकार से लेकर बीमा करती है। कुछ ऐसा प्रावधान सामूहिक बीमा हो जाए, और दूसरा माननीय राम कुमार जी इसमें एक ऐसा प्रावधान हो जाए कि मान्यता प्राप्त है चाहे गैर मान, अगर किसी पत्रकार की मृत्यु हो तो कि मैं संसार से चला जाऊं, राजेश जी सरकार उसके परिवार को तुरंत दे, क्योंकि उसके बाद उसका करने वाला को मैंने बहुत परिवार उठते देखे हैं। 25 साल का पत्रकार था बंदी में, चंबा का काम कर पैसे भी दिए, सारा काम करा के दिया, हमने तो ये बोला कि बच्चे की पढ़ाई करा देंगे, पर अगर उनको पैसा मिलता है तो उनकी मिसिज है, उनकी माँ है, कोई काम करके जो उसको आगे बढ़ाओ, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परिवार को लीव मिलना चाहिए। इसके अलावा बसों का आता है कई बार, पत्रकार कवरेज करने जाते हैं तो इसमें एक दायरा हटाकर चाहे मान्यता प्राप्त है चाहे गैर मान्यता प्राप्त है उसकी आप तफ्तीश DPRO से कराइए। हम नहीं कहते कोई इसमें गलत लोग आ गए हैं या नहीं है, DPRO इस पे कोई स्टैंप मारता है कि वास्तव में भी करता है, इसका नाम भी छपता है, तो आप उनको भी जो बसों की मुफ्त सुविधा की यात्रा दीजिए। बहुत थोड़ा होता है जिले में जाना, वैसे सबके पास आजकल साधन है, अकेले बसों से पत्रकार करनी होती, पैदल भी चलना है, हमने बाइक पे भी चलना है, पर फिर भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस लाभ के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंतर्गत उनको जो है इसमें सुविधा आशा है कि आपकी सरकार करेगी। प्रेस भवन और उपमंडल स्तर पर सिर्फ प्रेस क्लबों का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। एक बच्चे की शादी के होता है और तो देखो जो आएगा उसने जाना है, उनके क्रिनेशन तक के लिए संस्कार तक के लिए 30-35 हजार रुपया उस फंड से मिलता है। उनका कोई मेडिकल केयर का जैसे हिम केयर स्कीम हिमाचल सरकार की है, 5 मेंबर्स का जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो काम भर वर्षी दिया जाता है, सिर्फ एक मेंबर का 1 रुपया लगता है एक दिन का, उसमें 1 रुपया भी लगता कम लगता है, इनके सारे का सारा जो उनका वैसे तो 1,000-1,200 रुपये लगता है इनके का, लेकिन उनका तो वो भी देखो तो जब भी कुछ चीज प्रेजेंट करनी है तो फैक्ट्स एंड फिगर करें एग्जैक्ट कि हमारा इतना एडवर्टीजमेंट का जाता है, वो मिलना भी मुश्किल नहीं, आप तो सारे यही पता करने वाले लोग, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा सोर्स आपके होते हैं, RTA तो बाकी सबके आपके बात तो बिना RTA कर लेते हैं, इतना तो रूल साफ सबकी है, तो वहां से पूरे फैक्ट लीजिए, पूरा कैलकुलेट करो कितना बनता है, आप बोलो कि हम भी जैसे वहां से ऐसे सेस होता है कोई हमारा भी ऐसे हो जाए, तो जितनी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हमारे लिए हो सकती है होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं देखो बड़ी सीधी बात, मैं इनफॉर्मल बात नहीं करूंगा, हम कई बार बोलते कि जुडिशरी को सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, हम भी जब मैं पढ़ाता था तो लिखते थे क्यों मिलनी चाहिए, ताकि उनको किसी ना किसी कंपल्शन में कुछ ऐसा अनफेयर ना करना पड़े, बोलते दिमाग में आएगी पेट और यह है सच्चाई है, उनकी रिटायरिंग एज ज्यादा होती है कंपेरेटिवली, 10 मिनट के लिए जरूर आ जाओ, मैंने कहा आपने इतने प्यार से बुलाया इसलिए मैं कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच आया हूँ और आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला है, पत्रकार और राजनेता रास्ता दोनों का कठिन है, जिस रास्ते पर हम चले हैं ये भी रास्ता कठिन है, और पत्रकार के लिए भी हर चीज को छापना हर चीज को उतारना और जनता के बीच लेके आना और उसमें कई जगह टकराव भी होता है कई जगह सहानुभूति भी मिलती है, परंतु
इस देश में पत्रकार ना होते तो ये इस देश की आजादी की लड़ाई या जितने भी आंदोलन हुए इन आंदोलनों को नीचे तक पहुंचाने का काम जो आज करते हैं तो आप लोग ही करते हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आपने हर चीज को उठाना है, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की हो, और जनता के बीच लाना है। ये जनता ने सोचना है कि कौन गलत है कौन ठीक है। तो आप सब का काम यही है, और ये देश का जो सिपाही सरहद पर करता है, आप देश के अंदर रहकर इस देश की उसी बात को करते हैं, देश के हितों की रक्षा, देश के गलत कामों के ऊपर नजर, देश में क्या हो रहा है, इन सब कामों को जनता के बीच लाकर उजागर करना। और रास्ता आपका भी कठिन है, करना पड़ता है, करण के मामले आते हैं, कई जगह कई मुश्किलें आती हैं, और पत्रकारों को कोई सरकार क्या दे सकती है क्या ना दे सकती है, इसके ऊपर आपने बड़ी लंबी चर्चा दी और अपना एक मेमोरेंडम भी दिया आदरणीय राम, अनेक बातें आपने भी कर दी है। हमका हमारा भी प्रयास यही रहेगा, पिछले विधानसभा में भी उठाया, अगली में भी उठाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे भाइयों को भी उनका हक मिले। मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास करेंगे, जो आपने कहा है राम कुमार जी और मैं इकट्ठे जाएंगे आपकी बात को लेकर, और मुख्यमंत्री सारा काम आपकी बात को पहुंचाना सर आपका एक प्रयास करेंगे, आपको क्या मिल सकता है मिलना चाहिए, और हम सबको ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो पत्रकारिता हो। मैंने इसमें पारदर्शिता जरूर रहनी चाहिए, अच्छा काम करने से अच्छा ही मिलता है। एकता के साथ इस देश का भविष्य, आज आप समझते हैं इस देश के ऊपर कितने ग्रहण लगे हुए थे, कितनी दूरियां हुई, कितने मुद्दों के हल हुए, ये एक पॉलिटिशियन के नाते चाहे क्या तो देश की जनता के नाते हुए, परंतु आज भी मैं देख रहा था है कि चैनल जब मैं खोलता हूं तो चार चैनल कुछ और बोल रहे होते हैं, एक चैनल कुछ और ही बोल रहे होते हैं, बड़ी बारीकी से मैं देखता हूं। उसका काम ही आग लगाना होता है किसी का, और जो चार चैनल थे वो देश के प्रति, देश की गंभीरता के प्रति, देश कैसे हो रहा है, देश बदल रहा है, उसके ऊपर बोलना। हर कार्य हर क्षेत्र हमारा है, और आप सभी इसी देश के वासी हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश सुरक्षित रहे, इसका हर नागरिक सुरक्षित रहे, और आने वाला देश का विभाजन वो फिर इस देश में ना हो। इस देश में कितने आक्रांताओं ने आकर देश का विभिन्न तरीकों से देश को लूटा, इस देश ने फिर तरक्की की, देश यहाँ फिर खड़ा हुआ, फिर देश को ये देखना ना पड़े। और जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, और भी कई जगह ये हाल बनने वाला है, इसके लिए भी जागरूक होकर अच्छी चीज जनता के बीच उतारनी चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और देश के नागरिकों को उसकी अच्छी जानकारी मिले। मेरा आपसे तो यही अनुरोध है, हम अपनी पारदर्शिता के साथ अपनी कलम को लिखे, और कलम ऐसी लिखे कि जनता के दिल में उतरे और लोग याद करते रहे कि वो व्यक्ति था जो अच्छी चीज लिखता था, जो आज जनता के बीच उतरती। काम तो आपका बड़ा आपने करना है, हमारा दिमाग हमें तो जो मन में है हमने बोल दिया, आप सबने इतने मान सम्मान से कोशिश होगी देना, सरकार ने होता है, हम मीडियर मिडोकर के नाते आपकी समस्या को लेकर मैं और राम कुमार जी मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और आपके पक्ष को रखेंगे, बाकी सरकार के निर्णय का फैसला जो होगा वो आपको बता देंगे, निर्णय कैसा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री ना पहले मिला है ना आगे मिलेगा, ये बात निश्चित है। स्वभाव से सुशील, गुस्सा मन में नहीं, और जो हम आज पहली बार विधायक बन के किए हमें ये देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे हमने जो भी कागज रख दिया उस पर नौ शब्द आया ही नहीं। एनकाउंटर ने ऊना से सुशील पंडित के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।